नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं अंजू सिंह। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम विचार विमर्श में। एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम खेती किसानी से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श करते हैं, जिससे किसानों को लाभ हो। भोजन ना सिर्फ हमारा पेट भरता है, बल्कि हमें स्वस्थ बनाए रखने में भी सहायक है। बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी हमारे भोजन में मौजूद है। लेकिन जरा सोचिए, अगर यही भोजन सेहत बनाने के बजाय बिगाड़ने लगे तो क्या होगा? लालच और अज्ञानता के कारण खेतों में जिस प्रकार रसायनों का अंधाधुंध इस्तेमाल हो रहा है, वो वास्तव में फसलों को प्रदूषित ही कर रहा है। यही फसलें जब भोजन के रूप में हमारे शरीर में प्रवेश करती होंगी तो क्या परिणाम होते होंगे? इस खतरे से बचाती है जैविक कृषि। रसायनों के दुष्प्रभाव को लेकर वैश्विक चिंता के बीच जैविक खेती जोर पकड़ रही है। वैश्विक स्तर पर जैविक उत्पादों की मांग भी बढ़ती जा रही है। सिक्किम को पहले ही पूर्ण जैविक राज्य बना चुके भारत का जैविक उत्पादों के विश्व बाजार में कौन सा स्थान है? क्या सरकार देश के किसानों को इस ओर दीक्षित, प्रशिक्षित, प्रेरित और प्रोत्साहित कर रही है? ये सवाल इसलिए भी सिर उठा रहा है कि हमारा देश अगले महीने जैविक कृषि विश्व कुंभ की मेजबानी करने जा रहा है, जिसमें 110 देशों के लगभग 30,000 प्रतिनिधि शिरकत करेंगे। तो इसी के हवाले से हम जैविक उत्पादों के विश्व बाजार पर विचार विमर्श शुरू करते हैं। इसके लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर क्लॉड अल्वारेस, साथ ही इसी संस्था से जुड़ी सुमना नंदी, एपिडा के सलाहकार डॉक्टर ए के यादव, राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र गाजियाबाद के निदेशक डॉक्टर टी के घोष और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में अपर आयुक्त डॉक्टर वंदना द्विवेदी। आप सभी का दूरदर्शन किसान पर बहुत बहुत स्वागत है। तो विचार विमर्श का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए सबसे पहले इस रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं। दुनिया के 179 देशों की 5,90,00,000 हेक्टेयर जमीन पर जैविक खेती हो रही है। यह रकबा कुल कृषि भूमि का महज 1% है। विश्व स्तर पर जैविक उत्पादकों की संख्या 24 लाख है। जैविक उत्पादों में खास तौर से मोटा अनाज और धान, तिलहन, प्रोटीन युक्त फसलें, सब्जियां, कॉफी, जैतून, अखरोट, नारियल और हरा चारा शामिल हैं। जैविक उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है। यही वजह है कि इनका बाजार साल दर साल फैलता जा रहा है। 2015 के आंकड़े बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैविक उत्पादों का बाजार $82 अरब का था। 2002 के बाद इसमें कुल 170% की वृद्धि दर्ज की गई। भारत की अगर बात करें तो यहाँ फिलहाल 14,44,000 हेक्टेयर जमीन पर जैविक खेती हो रही है, जबकि 5 साल पहले ये आंकड़ा महज 6 लाख हेक्टेयर था। हमारे देश से हर साल 2,478 करोड़ मूल्य के 3 लाख टन जैविक उत्पादों का निर्यात किया जा रहा है। हमारे यहाँ से जैविक उत्पादों का सबसे ज्यादा निर्यात मेक्सिको, अमेरिका और कनाडा को होता है। उसके बाद यूरोप का नंबर आता है और फिर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का। इनके अलावा आसियान देशों को भी काफी उत्पाद निर्यात किए जाते हैं। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी और हमने आपको ये भी बताया कि विश्व भर में जैविक खेती की अभी क्या स्थिति है और भारत वहाँ पर किस जगह पर, हमारे यहाँ कितने क्षेत्र में जैविक खेती होती है। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर अल्वारेस, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि जिस तरीके से हमने बताया कि दुनिया भर में कुल कितना क्षेत्र जहाँ पर जैविक खेती होती है और भारत की भूमिका भी इसमें हम देख रहे हैं कि अब काफ़ी बेहतर होती जा रही है, लेकिन अगर हम आंकड़ों के लिहाज से बात करें तो भारत की हिस्सेदारी जैविक खेती में विश्व पटल पर कितनी है? विश्व मार्केट पर हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, 1% के नीचे है। और लेकिन अभी कपास ले लेंगे तो हमारा कपास का ऑर्गेनिक जैविक कपास का एक्सपोर्ट सारा दुनिया से, हम तो मेजॉरिटी प्रोड्यूसर है और मेजॉरिटी एक्सपोर्टर है, लेकिन दूसरे कुछ ये प्रोडक्ट्स हो जाएंगे इसमें तो हमारा बहुत सारा एक्सपोर्ट तो नहीं है। चाय में, कॉफ़ी में, शक्कर में, ये तो अभी हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं।
जी जी बिल्कुल, जैसे अलवाइस जी आपने कहा कि हमारी भूमिका या भागीदारी उतनी अधिक नहीं है, लेकिन जिसे हम आज जैविक खेती कह रहे हैं, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, ये तो हमारी परंपरा में था। अगर हम ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति से पहले की बात करें तो हम जैविक खेती ही करते थे, और कहा यह भी जाता है कि 40 सदी से जो हमारा किसान है वो जैविक किसान है। तो डॉक्टर यादव, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि ये स्थिति आई क्यों, कि अब हमारे किसानों को ये समझाने की जरूरत पड़ रही है कि दरअसल जैविक खेती क्या है, क्यों ये करनी चाहिए, इस हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा। ऐसा है, जैविक खेती जो है वो हमारी प्राचीन परंपरा है, हमने बहुत सदियों तक उसका पालन किया। बट ये है कि जब विदेशी शासक हमारे यहाँ आए, उनकी पॉलिसी थी, उन पॉलिसीज़ के कारण हमारी जो खेती है वो बहुत ख़राब स्थिति में पहुँच गई। और जब हम आज़ाद हुए तो हमें लगने लगा कि हमारी शायद जो परंपरागत खेती है उससे अपने पूरी आबादी का पेट नहीं भर पाएंगे, तो हमें वैज्ञानिक तरीके अपनाने होंगे। केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल शुरू हुआ, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल शुरू हुआ, और एक हरित क्रांति का दौर शुरू हुआ। जी जी। अब उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि हरित क्रांति के बाद में कुछ नेगेटिव परिणाम भी आएंगे, बट चूंकि परिणाम सामने आने लगे तो सारी दुनिया में फिर ये एक नए क्रांति शुरू हुई कि हम धीरे धीरे वापस से जैविक खेती की तरफ बढ़ते हैं, और जैविक खेती का एक अलग से बाजार खड़ा हुआ। जी जी। आज की तारीख में जो जैविक खेती है वो बाजार आधारित ज़्यादा जैविक खेती है, और उसके अंदर जो पर्यावरण को होने वाले नुकसान है उनका भी ध्यान रखा गया है। और आज अगर हम देखें तो हमारे देश में जैविक खेती में काफ़ी अच्छी मात्रा के अंदर हो रही है, करीब 14 लाख हेक्टेयर में 11 लाख किसान जैविक खेती करते हैं। अगर क्षेत्र के हिसाब से बात करें जो खेती वाला है तो हम 10वें स्थान पर आते हैं पूरे देश में, पर बाजार में जहां तक सवाल है अभी हमारा स्थिति बहुत पीछे है। जी, तो बाजार में जैसा कि आपने बताया कि अभी हमारी स्थिति बहुत पीछे है, तो इस पर भी मैं बात करूंगी, लेकिन इससे पहले मैं खुश साहब आपसे समझना चाहूंगी कि अगर हम वैश्विक स्तर से तुलना करें तो जैविक खेती में हमारी वैज्ञानिक तैयारी किस तरीके की, क्योंकि जैसा कि अभी यादव साहब ने कहा कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया यानी हरित क्रांति, उस वक्त साइंटिफिक तरीके, वैज्ञानिक तरीके इस्तेमाल किए गए और उसमें हमने कामयाबी भी हासिल की, हम खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में कामयाब रहे। लेकिन जब हम जैविक खेती की बात करते हैं तो इसमें हमारी वैज्ञानिक तैयारी किस तरीके से है, इनमें कौन कौन से बिंदुओं पर काम किया जा रहा है, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे आंकें। जी घोष साहब। हाँ, सबसे पहले तो मैंने ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 3 सालों से जैविक खेती में काफ़ी तेजी आई है। लगभग हम ये बोल सकते हैं कि ये जो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र का जयवाद जो भारत सरकार के अधीनस्थ एक केंद्रीय संस्थान है जैविक खेती के प्रचार प्रसार के लिए और पूरे देश में काम कर रहा है, और हम दो विषय के ऊपर हम जोर दिया जिसके वजह से जैविक खेती में काफ़ी तेजी आई है। एक तो किस तरीके से रासायनिक खाद और कीटनाशक का उपयोग किए बिना कम लागत में हम मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाकर खेती कर सकते हैं, जैविक खेती कर सकते हैं, और उस दिशा में हमारे राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया। हमने एक वेस्ट डिकम्पोजर कल्चर को विकसित किया है, जहाँ तक आपने बोला कि आधुनिक विज्ञान और तकनीक की बात किया है, वो ये हमारी एक सफलता है कि हमने पूरे देश में देश के लिए एक वेस्ट डिकम्पोजर कल्चर विकसित किया है जो अभी किसानों को हम दे रहे हैं, और बहुत ही आसानी से किसान उस कल्चर के द्वारा, आप कुल मिला के एक सपोर्ट सिस्टम की बात कर रहे हैं, सपोर्ट सिस्टम की बात कर रहे हैं। एक तो ये बात है कि कम लागत में कैसे जैविक खेती किया जा सकता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है जो मैंने बताना चाहूँगी कि वो ये है कि जैविक कैसे हम किसानों को एक जैविक बाजार दिलवा सकता है, क्योंकि हमारे किसान को जब तक हम बाजार नहीं दिलवा सकेंगे तो वो जैविक खेती में नहीं आएंगे। जी जी। और उसी दिशा में राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। उसमें हमने एक कम से कम खर्चा में एक जैविक किसानों के प्रमाणीकरण करने के लिए एक व्यवस्था चालू किया है जिसको हम PGS प्रमाणीकरण कहते हैं, जिसके द्वारा किसान एक ऑनलाइन व्यवस्था जो चालू किया है उसके द्वारा किसान बिना खर्च प्रमाणीकरण कर रहे हैं, और लगभग अभी तक पूरे देश में 2,36,000 किसान हमारे साथ जुड़ गया, जबकि पूरे विश्व में 72 देश अभी जैविक, मतलब जो 2,36,000 का आप आंकड़ा बता रहे हैं कि वो किसान है जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, मतलब सर्टिफिकेशन करवाया इन्होंने जैविक खेती को लेकर। जी अच्छा, तो उसमें अभी लगभग 1,72,000 एकड़ एरिया जैविक खेती के अंदर आ गया PGS प्रमाणीकरण के अंदर। ये एक बहुत ही बड़ा तेजी से काम चल रहा है। हम ऐसे समझते हैं कि आने वाले दिन में
अगर इस तरीके से चले तो काफी क्षेत्र हम जैविक खेती के अंतर्गत आ जाएंगे। सुमना जी, जैसे कि अभी कुछ आंकड़े दिए हैं घोष साहब ने, और आंकड़े तो बहुत अच्छे संकेत दे रहे हैं, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जिस तरीके के सपोर्ट सिस्टम की बात की जा रही है, क्या आपको लगता है कि मौजूदा स्थिति में वो काफी है, या फिर कुछ और ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर काम करने की ज़रूरत है? क्योंकि हमें किसानों को के अंदर ये विश्वास भी पैदा करना होगा कि जब हमने किसानों पर विश्वास पैदा किया, हरित क्रांति हुई तो उसने उस तरह का उत्पादन भी दिया, और अब भी वो विश्वास पैदा करना होगा, तो क्या उसके लिए हम तैयार हैं, उस स्तर की तैयारी है? देखिए, ये विश्वास दिलवाने के लिए बाल विकास, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने हर साल दिल्ली हाट में ये जो एक हफ्ता का जैविक प्रोड्यूस एक मार्केट जो लगाते हैं 10 दिन के लिए, ये एक तरीका है बाजार बनाने का, जो दिल्ली में हमारा इतना जो डिमांड है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का, वो बनाने के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये एक तरीके का तरीका है जो हम फार्मर्स को, किसान को, ये पूरा हमारा जो सिटी है, यहाँ का जो जितना आपका सेलर्स है, यहाँ पे जितना कंज्यूमर्स है, इसको डायरेक्टली इनको मिलाने के लिए, तो ये जो हमारा है, ये डिमांड बढ़ाने के लिए और भी अवेयरनेस जो सरकार कर रहे हैं, जो हमारा और भी ये जो फार्मर्स वेलफेयर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जो कर रहे हैं, ये डिफरेंट स्कीम्स जो परंपरागत कृषि विकास योजना, ये सारी स्कीम्स के द्वारा जो ये जितना सूचित किया जा रहा है किसानों को जैविक खेती करने के लिए, ये बहुत ही बड़ा सा हेल्प है जो किसानों को जैविक खेती करने के लिए और भी शायद इंस्पायर करें। जी बिल्कुल, तो इंस्पायर करने की आपने बात यहाँ पर की, यानी उन्हें प्रेरित किया जाए, और इसके लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। मैं वंदना जी आपके पास आना चाहूँगी, और जिसका हमने जिक्र कार्यक्रम की शुरुआत में किया, जैविक कृषि विश्व कुंभ की हम बात कर रहे हैं, थोड़ा इसके बारे में बताएं कि ये किस तरीके से किसानों तक पहुँचेगा, किसानों को इससे किस तरह का लाभ होगा, और जो जो हम जैविक खेती की बात कर रहे हैं, इसको लेकर एक अवेयरनेस, या फिर कहें कि एक बाजार तक ये बात पहुँचे, किस तरीके किस प्रकार काम होगा? देखिए, जो ये जैविक विश्व कुंभ होने जा रहा है, ये एक बहुत ही सामयिक कहना चाहिए, एक तरीके का आयोजन हो रहा है, और हमारे देश में जो हमारी मौजूदा सरकार है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी का ये मानना है कि जो जैविक खेती हमें ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में करना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारे कन्वेंशनल फार्मिंग है, उससे पर्यावरण के ऊपर काफ़ी दुष्परिणाम पड़ रहे हैं, और आप न्यूज़ में भी सुनते रहते होंगे, प्रिंट मीडिया में भी आता रहता है कि अंधाधुंध यूरिया का इस्तेमाल करने से पानी में प्रदूषण हो गया, वायु में प्रदूषण हो रहा है, तो जो ग्रीन हाउसेस गैसेस ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि एक हमारी जो स्वस्थ धरा है वो कैसे हो, इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जा रहा है। तो जो हमारी जो स्कीम्स चल रही है इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की, जो परंपरागत कृषि विकास योजना है, जिसमें हम किसानों को क्लस्टर के माध्यम से लेके आते हैं, और समूह में ऑर्गेनिक फार्मिंग किसान भाई करते हैं, तो ये और इसके जब तक प्रोडक्ट हमारा सर्टिफाइड नहीं होता, तब तक उसकी मूल्य नहीं मिलता है, लोगों को विश्वास नहीं होता है कि ये ऑर्गेनिक तरीके से उपजाया गया है या कन्वेंशनल तरीके से है। तो एक उसके लिए एक पीजे सर्टिफिकेशन, जैसे डॉक्टर घोष ने बताया, पीजे सर्टिफिकेशन लाएं, जो कि कंट्री के अंदर अगर लोग कंज्यूम कर रहे हैं तो उनके लिए है, सस्ता सर्टिफिकेशन प्रणाली है। बिल्कुल, और फिर जब हम निर्यात की बात सोचते हैं, तो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन जो अपीडा के क्षेत्र में आता है, तो इस तरह से हम जो ये प्रोग्राम चला रहे हैं, और उस प्रोग्राम में किसान हमारे जुड़े हुए हैं, 10,000 क्लस्टर्स तो हम बना चुके हैं, लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर तो हमारी 2.5 लाख हेक्टेयर तो हमारी इस स्कीम से ही आ गया है 2-3 सालों में, जबकि ये आंकड़ा 14 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है। तो वंदना जी, जैसा कि आपने अभी बताया कि जो हमारी घरेलू मांग है, या फिर घरेलू जो एक बाजार है, पहले तो उस पर नजर रखी जाए, ऑर्गेनिक हम प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, जैविक उत्पादों की बात कर रहे हैं, और इसके साथ ही निर्यात भी हो, क्योंकि इसका हम देख रहे हैं कि अब विश्व भर में जो उपभोक्ता है वो ऑर्गेनिक फूड ढूंढता है, स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी जागरूक हो गया है, तो उस दिशा में भी काम किया जा रहा है। अब मैं अलवाज जी आपसे जानना चाहूँगी कि जैसा कि भी वंदना जी ने बताया कि घरेलू बाजार पर नज़र भी है और विश्व बाजार पर भी नज़र है, तो ऐसे में किसान जो है निर्यात को समझे, उस क्षेत्र में वो आगे कदम बढ़ाए, वो समझे कि बाजार सिर्फ उनके घर से
15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर मंडी ही नहीं है, पूरा विश्व आज के दौर में बाजार है। तो ये कैसे समझे किसान, इसमें जो मदद दी जा रही है उसके बारे में थोड़ा बताएं, कितनी काफ़ी है ये आपने PGS का सरकार का स्कीम निकाल दिया है, उसका सिस्टम ऐसे ही किया है कि किसान लोग गांव-गांव में ग्रुप बनाए जैविक कृषि का सब उत्पादन करना है वो तो करवा दीजिए, और एक ग्रुप का उसका सर्टिफिकेशन स्कीम दिया। इसके बाद वो PGS ग्रुप का सारा उत्पादन किसी जगह में उसका बिक्री कर सकते हैं। एक ही प्रॉब्लम है आज PGS सिस्टम का, ऑर्गेनिक गारंटी सिस्टम है वो तो इस देश में उसका तो नोटिफाई किया है और सरकार ने एक्सेप्ट किया है, लेकिन ये पहला टाइम दुनिया में सरकार ने PGS स्कीम को ऐसा उन्होंने नोटिफाई किया और एक्सेप्ट किया है। लेकिन यही प्रॉब्लम है कि अंतरराष्ट्रीय में वो एक्सेप्ट होना चाहिए, हो जाएगा तो PGS का कोई भी सर्टिफिकेशन हो जाएगा किसी गांव में, वो तो इंटरनेशनल मार्केट का उसका भी बिक्री हो सकते हैं जी। लेकिन वो तो अभी सरकार का अपीडा का भी अपीडा का कुछ उसका कहने में कुछ मदद ले लेंगे जी। इसमें ये डिस्कशन चर्चा हो रहे हैं ये इक्विवेलेंस ये कैसा होना, क्योंकि हमारा नेशनल सिस्टम का इंटरनेशनल पर रिकॉग्नाइज हुआ है, लेकिन हमारा PGS सिस्टम का इंटरनेशनल पर अभी रिकॉग्नाइज हो जाएंगे तर किसी किसान किसी लोकल ग्रुप किसी PGS ग्रुप कहां से देश से उसका तो कुछ उत्पादन वर्ल्ड मार्केट पर आ सकते हैं जी। घोष साहब आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे जी। अभी डॉक्टर क्लॉड अल्वरेज साहब जो बोला है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि पूरे देश में अभी दो प्रकार की प्रमाणीकरण व्यवस्था है, एक तो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन जो अपेडा द्वारा अधिकृत प्रमाणीकरण संस्था करते हैं, दूसरा PGS प्रमाणीकरण। लेकिन एक बात मैं दो टूक शब्द में बताना चाहता हूँ कि दोनों प्रमाणीकरण व्यवस्था की जो मानक है उत्पादन मानक है वो एक है, जो इसमें कोई यानी कुल सिस्टम अलग अलग कर दिया गया है। लेकिन दूसरी और इसीलिए दूसरी बात एक और चीज़ अभी आने वाला है कि कोई भी उत्पाद जैविक उत्पाद के रूप में अगर मार्केट में बिकवाना है तो एक मैंडेटरी रेगुलेशन अभी डोमेस्टिक मार्केट के लिए घरेलू बाजार के लिए अभी आ रहा है, ये एक दो महीने में अभी लागू हो जाएगा। इसमें PGS अथवा MPOP जो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन है दोनों में से एक प्रमाणित करना ही पड़ेगा। और जहाँ तक इक्विवेलेंस की बात है, दूसरा कंट्री जो डिफरेंट अलग अलग जो सर्टिफिकेट प्रमाणीकरण कर रहे हैं उसके साथ जहाँ तक इक्विवेलेंस की बात है, अभी हमारे पास ऐसा बहुत सारे जानकारी है कि PGS प्रोडक्ट मार्केट में निर्यात भी हो रहा है, लेकिन वो कन्वेंशनल के रूप में हो रहा है, लेकिन PGS प्रोडक्ट हो रहा है। और आगे ये बात भी हम ऐसे बोल नहीं सकते कि आने वाले टाइम में PGS प्रोडक्ट की निर्यात नहीं होगा, उसके लिए भी कोई ना कोई नोटिफिकेशन कोई ना कोई रास्ता अभी निकलना पड़ेगा। गुरु साहब ये बताइए कि जो आपने बताया जो सर्टिफिकेशन है या फिर जिस जो एक तरीके से मानक सेट किए गए हैं कि कौन चीज़ें ऑर्गेनिक है और कौन से बाजार में बिक सकती है, इसके आपने बताया कि इसके अलग अलग सर्टिफिकेशन होते हैं, तो हम अक्सर जब कार्यक्रम करते हैं तो किसानों की तरफ से ये भी सवाल आते हैं और उनके ये भी मुश्किलें होती हैं कि वो कहाँ से रजिस्ट्रेशन करवाएं, उन्हें इसकी जानकारी ही नहीं होती है, तो इसे कितना सरल किया गया है और किसान इससे कैसे जुड़े इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, एक्चुअली मैं चर्चा करना चाहूँगा कि जैसे मैंने अभी पहले ही बताया कि ये दो प्रकार की प्रमाणीकरण व्यवस्था है, इसमें जो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन है वो काफ़ी महंगा है, उसमें काफ़ी थोड़ा सा जटिल है और उसमें कागजी कार्रवाई ज़्यादा है। थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन क्या है? थर्ड पार्टी की मतलब है अपेडा द्वारा अधिकृत एक प्रमाणीकरण संस्था जो वाणिज्य मंत्रालय के अधीनस्थ है, वो निरीक्षण के आधार पर प्रमाणीकरण करते हैं, उसमें काफ़ी खर्चा है, काफ़ी कागजी कार्रवाई, किसान का खर्चा होगा। हाँ यार, इसीलिए किसान उसको कर नहीं पा रहा था और वही एकमात्र कारण था कि हमारी जो जैविक खेती का ज़्यादा प्रगति नहीं हुआ। इसी दिशा में राष्ट्रीय जैविक खेती के अंदर गाजियाबाद काफ़ी काम किया है हमारे कृषि मंत्रालय, और उसने हमने ऐसे चाहा कि कोई निःशुल्क प्रमाणीकरण हो, कम कागजी कार्रवाई हो, और उसी दिशा में हमने एक जो राष्ट्रीय जो प्रमाणीकरण व्यवस्था चालू किया वो एक किसान द्वारा निजी प्रमाणीकरण व्यवस्था जिसको हम PGS कहते हैं, उसमें किसान निःशुल्क पंजीकरण करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, केवल 5 किसानों का एक दल बनाकर उन्होंने हमारी वेबसाइट में जाके निःशुल्क हमारा जो अधिकृत रीजनल काउंसिल है उनके साथ वो प्रमाणीकरण करेंगे।
उसके लिए कोई खर्चा नहीं है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि डेली प्रतिदिन कम से कम 10 से 15 हज़ार किसान हमारे साथ जोड़ रहे हैं, प्रमाणीकरण कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि इसलिए हमने जो हमारा बहुत सारे गैर सरकारी संस्थान को हमने रीजनल काउंसिल के रूप में अभी मान्यता दिया है। ऐसा संस्था की संख्या जो है लगभग 565 है जो पूरे देश में काम कर रहा है और उनकी देख देख में पीजीएस प्रमाणीकरण चल रहा है और इसके लिए कोई खर्चा नहीं है। किसान खुद ही निरीक्षण के आधार पर अपना किसान के समूह जो प्रमाणीकरण का निर्णय लेते हैं और सारे दस्तावेज को वो हमारी वेबसाइट में अपलोड करते हैं और हमारी जो प्रमाणीकरण संस्था बोल सकते हैं कि जो रीजनल काउंसिल है उसी को सत्यापित करते हैं ऑनलाइन करके उनको अनुमोदन कर देता है उसको उसकी और उसके बाद किसान को सर्टिफिकेट मिल जाता है ऑनलाइन। जी जी यादव जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी अब कि जिस तरीके से अभी तो कई सारी बातें बताई हैं घोष साहब ने, लेकिन क्या कोई सर्वे भी है, कोई डेटा भी हमारे साथ हमारे पास मौजूद है जो जिस तरह की चीज जिन बाज़ार की हम बात कर रहे हैं, घरेलू और निर्यात की बात कर रहे हैं, तो क्या निर्यात को लेकर कोई सर्वे है? क्योंकि किसान, जब तक हम किसान को ये नहीं समझाएंगे कि भाई ये है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये हमारे पास आंकड़े हैं और इसलिए हम किसानों को रुझान भी उस तरफ हम आकर्षित कर सकते हैं, तो क्या इस तरह की कोई सर्वे वगैरह के बारे में जानकारी? देखिए, सर्वे के साथ साथ बहुत सारी बातें हैं इसमें। सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तरफ जाते हैं तो क्वालिटी एक इशू होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो वास्तव में ऑर्गेनिक है या विदेश में जाकर के हम कैसे प्रमाणित करें, तो उसके लिए सबसे पहली जरूरत है एक प्रमाणीकरण। प्रमाणीकरण के अंदर जो हमारा थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन एपीडा द्वारा प्रचालित है वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है और हमारा यूरोपियन यूनियन, अमेरिका और स्विट्जरलैंड के साथ बराबरी का एग्रीमेंट है उनके साथ। उसका बराबरी के एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि अगर हमारे यहाँ उसको प्रमाणित कर दिया गया है तो उन देशों में दोबारा से कोई सवाल उठाया नहीं जाता और उसको सीधे सीधे जो है एक्सेप्ट किया जा सकता है। इसके अलावा भी हमारे और भी बहुत सारे देशों के साथ अभी बराबरी के एग्रीमेंट्स की बातचीत चल रही है और हो सकता है आने वाले एक साल के अंदर हमें 10-12 देशों के साथ हमारा प्रमाणीकरण का इक्विवेलेंस हो जाएगा। जी जी। एक बार जब ये स्थिति आ जाती है तो उसमें क्या होता है कि निर्यात करना बहुत आसान हो जाता है, निर्यात के जो बीच में बैरियर्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। अगर उनको बैरियर्स को अगर खत्म कर दिया जाए तो हमारा निर्यात जो आज की स्थिति में करीब 2700 करोड़ के आसपास का है वो 2 गुना से ज्यादा भी हो सकता है। अब इसमें जो मेन बात यह है कि हमारा जो बाजार है वो कितना बड़ा है। पिछले साल अगर हम पिछले साल की बात करें 16-17 की, तो हमने लगभग 3 लाख टन से ज़्यादा का निर्यात किया। जी जी। उसके अंदर प्रमुखतया जो हमारे देश हैं जिन्होंने हमारे यहाँ का प्रोडक्ट इंपोर्ट किया, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, स्विट्जरलैंड, ये हमारे में और हमारे एशिया के भी कुछ देश हैं। कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि भारत का बाजार है यहाँ पर। भारत का बाजार बहुत बड़ा है और अगर आप देखें, ठीक है, विश्व बाजार में अगर हम हमारा हिस्सेदारी देखें तो 5.5% की है, बट जिस तरह से आगे पिछले कुछ सालों के अंदर लगातार बढ़ रहा है उसको लेकर के बहुत आशा है। क्योंकि हमारे देश की एक खास बात यह है, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट हुआ है पिछले 4-5 सालों के अंदर वो बहुत अच्छा हुआ, उसके कारण जैविक खेती की नींव बहुत अच्छी हो रही है। जैसे शुरू में आपने बात की थी कि रिसर्च का क्या बैकग्राउंड है हमारे पास, आप देखिए ICAR की तरफ से खाली कन्वेंशनल एग्रीकल्चर कोई रिसर्च नहीं होती है, वहाँ पे राष्ट्रीय स्तर पे भी प्रधानमंत्री ने एक राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र का उद्घाटन कर दिया है सिक्किम के अंदर। जी जी, उसके अलावा नेटवर्क प्रोजेक्ट चल रहा है जिसके अंदर 13 स्थानों पर रिसर्च की जा रही है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जो भी 10 साल की रिसर्च हुई उसमें ये प्रमाणित हुआ जी जी कि जैविक खेती में बराबरी का उत्पादन लिया जा सकता है। बताया आपने कि किस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं। वंदना जी, जैसा कि बहुत सारी बातें अभी यादव जी ने बताई, घोष साहब ने भी बताया कि सर्टिफिकेशन कैसे होता है, लेकिन अब ये बताएं कि जब हम कृषि रकबे की बात करते हैं, इस सीजन में कितनी रकबे, कितना रकबा है, कितने क्षेत्र में कौन सी फसलें, कितनी बुआई हुई, ये सब होते हैं हमारे पास और मंत्रालय की तरफ से भी जारी किया जाता है हर साल, तो अब ये बताएं कि क्या ऐसा ही सिस्टम, क्या ऐसी ही व्यवस्था हम जैविक खेती को लेकर कर पाए हैं कि जैविक खेती का कितना रकबा हुआ, पहले से कितना बढ़ा, कितना घटा, कौन सी फसलों में बढ़ा, क्या इस तरीके की भी व्यवस्था है? देखिए, ये जो आंकड़े इकट्ठा करने की बात है जैविक खेती की, ये हमारा पीडा ट्रेसनेट के थ्रू होता ही है, ऑलरेडी होता है इसमें, लेकिन जो जहाँ तक क्षेत्र का, जैविक क्षेत्र का विस्तार की बात है, तो हम अभी जैसे ये योजना चल रही थी 3 साल में, तो हमने 10 लाख हेक्टेयर किया, यानी 2 लाख हेक्टेयर एरिया ले आए। अब हमने जो अगले 3 सालों में, क्योंकि अब योजनाएं 3-3 साल में बन रही, तो अगले 3 सालों में हमारी जो
ये तय किया गया है कि हम 10 लाख हेक्टेयर ऑर्गेनिक फार्मिंग में लेके आएंगे और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, वहाँ पे 50,000 हेक्टेयर एडिशनल लेके आएंगे। तो 10.5 यानी 10.5 लाख हेक्टेयर का क्षेत्रफल हम और एडिशनल जोड़ेंगे। तो ये योजना को विस्तार करने की पूरी योजना है हमारे सरकार में और हम इसके ऊपर काफ़ी फोकस भी है, काम कर रहे हैं, फोकस तरीके से काम कर रहे हैं और ये कोशिश ये कर रहे हैं कि किसानों के बीच में जैसे बायर सेलर्स मीटिंग करा के कि उनका उत्पाद अच्छा हो, अपने खेत पर ही वो रिसाइकिल करके जो इनपुट्स होते हैं उनका उत्पादन करें जिससे उनकी लागत कम हो और उनको बाजार मिले। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक सर्टिफिकेशन प्रोसेस जो है वो बहुत सरल कर दिया गया है, कोई खर्चा नहीं है उसमें, किसान से किसान की सहभागिता से इसको प्रमाणीकृत किया जा रहा है। और अगर जो तीसरा साल होता है उसमें यदि कोई एक्सपोर्ट करना चाहता है किसान तो वो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन कराता है, तो उससे ड्यूरेशन कम हो जाता है। चलिए, जो आपने थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन की बात यहाँ पर रखी है और एक्सपोर्ट की बात की है आपने, तो इस पर मैं और विस्तार से बात करूंगी आगे ब्रेक के बाद, लेकिन फिलहाल छोटा सा हम ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जारी रहेगा विचार विमर्श, जैविक उत्पादों का विश्व बाजार, अब बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, एक छोटा सा ब्रेक। जहां दिग्गज दौड़ाते हैं अपना दिमाग, ढूंढते हैं सामयिक सवालों के जवाब, खेती किसानी के मुद्दों पर मंथन का मंच, देखिए वाद संवाद हर शनिवार सुबह 11 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज विचार विमर्श का हमारा विषय है जैविक उत्पादों का विश्व बाजार। विचार विमर्श में पहले हमने बहुत सारी बातें की, लेकिन अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से विश्व बाजार पर नज़र है, जैविक खेती क्यों और महत्वपूर्ण है, किस तरीके से सरकार इसको लेकर बहुत गंभीर है और जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी भूमिका किस तरीके से इसमें बढ़ाई जा सकती है, क्या भूमिका हो सकती है, किसान उससे कैसे जुड़े, इन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट पर एक नज़र। भारत में काफी समय से जैविक खेती को प्रेरित किया जा रहा है। आगामी 9 से 11 नवंबर के बीच होने वाला जैविक कृषि विश्व कुंभ इस दिशा में भारत के सरोकारों और कोशिशों को दर्शाता है, इसलिए इसका विषय जैविक भारत से जैविक विश्व रखा गया है। जैविक जगत में भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसकी कई वजह है। एक तो भारत कृषि प्रधान देश है और दूसरे जैविक खेती करने वाले सबसे अधिक किसान यहीं पाए जाते हैं। भारत जैविक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सहभागिता प्रणाली प्रमाणीकरण अपनाने वाला पहला देश है और सहभागिता प्रणाली प्रमाणीकरण PGC के अंतर्गत पंजीकरण कराने वाले किसानों की संख्या 11 लाख के आसपास पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं, जैविक खेती के अगुआ राज्यों को सामान्य जैविक क्षेत्रों से प्रमाणित जैविक क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए सहायता दी जा रही है। भारत अकेला ऐसा देश है जहां जैविक खेती के लिए एक राष्ट्रीय केंद्र है जिसके अंतर्गत 8 स्थानीय केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा देश में जैविक शिक्षा पर भी काम हो रहा है। गुजरात में देश का पहला जैविक विश्वविद्यालय बन रहा है। जैविक खेती और पर्यावरण के बीच सीधा संबंध है। जैविक फसलों के लिए पर्यावरण की सुरक्षा जरूरी है। इसके लिए मिट्टी, पानी और वायु के साथ साथ जैव विविधता की हिफाजत करनी होगी और ग्रीन हाउस गैसों को नियंत्रित करना होगा। पर्यावरण से जुड़ी समस्याएं दूर करने के लिए स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी पक्षों को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी और रिपोर्ट में बहुत सारी बातें की, अब मैं घुश साहब आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि बहुत सारी बातें हमने विश्व बाजार के बारे में की है। तो ये बताइए कि प्रमाणीकरण की जो हम बात कर रहे हैं ये विश्व बाजार में किस तरीके से मदद करता है? सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि प्रमाणीकरण तो अत्यंत जरूरी है, जैसे मैडम वंदना बताया, और निर्यात के लिए केवल जो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन है उसी से आप निर्यात कर सकते हैं। घरेलू बाजार के लिए PGS प्रमाणीकरण करना है और जैसे डॉक्टर साहब बताया कि
निर्यात के लिए कई देशों के साथ हमारा इक्विवेलेंस है और उसमें हम निर्यात कर सकते हैं और उसमें काफ़ी संभावना है। और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि हमारी जो जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है पूरे देश में जो ऑर्गेनिक उत्पाद हो रहा है, पर्टिकुलरली मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे जो परिवर्तनशील जलवायु और बारिश पर आधारित सूखा क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र, इन सब क्षेत्रों में जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हमारा बन रहा है वो इंटरनेशनल मार्केट में उसकी काफ़ी डिमांड है। जी जी जी। और इसके वजह से हमारे ऑर्गेनिक सेक्टर की डेवलपमेंट की काफ़ी संभावना है और उसके जो हमें इंडिकेशन मिल रहा है उसकी, तो उसके हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि आने वाले समय में हमारी जो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग की एक बहुत बड़ा मार्केट विश्व बाजार में हमें मिलेगा और उसकी तैयारी चल रही है। जी, जैसा कि आपने बताया कि जब जो संकेत मिल रहे हैं वो बहुत सकारात्मक हैं और अच्छी बात है कि इस तरह के संकेत हैं ताकि हमारे किसान जो है इन्हें समझ सकें, उन्हें लाभ हो सके और साथ ही पर्यावरण के लिए भी अच्छा है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी। अलवाज जी, अब आपसे मैं जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से अभी घोष साहब ने कुछ बातें बताई हैं, तो अब ये बताएँ कि ये जो सर्टिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं इसके मानक क्या होते हैं, क्योंकि हम बड़े बाजार में जा रहे हैं, विश्व बाजार में जा रहे हैं, तो इसके मापदंड किस तरीके से होते हैं, ये कैसे तय होते हैं? ये स्टैंडर्ड्स पहले किया था इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल एक बॉडी है उसका नाम है आईफॉर्म, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग मूवमेंट्स, वो यूरोप में शुरू हुआ था और उन्होंने वो स्टैंडर्ड्स पहले निकाल दिया था और उस स्टैंडर्ड्स इसके बाद सारा देश ने अडॉप्ट किया था। अभी हमारा तो ये तो स्टैंडर्ड्स हम तो ले लिए हैं और हमारा तो नेशनल स्टैंडर्ड्स भी हमें तो उसमें मॉडिफाई किए हैं, लेकिन उसका बेस हम तो वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी रखा है, तो उसमें कुछ इतना बड़ा फर्क नहीं, लेकिन वो नेशनल लेवल पर हम तो इसको अडेप्ट किया है और सरकार ने उसको नेशनल NSOP को कहा है, नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन का उन्होंने डॉक्यूमेंट निकाल दिया है। उस डॉक्यूमेंट के बाद PGS का डॉक्यूमेंट स्टैंडर्ड्स निकाल दिया है, PGS का डॉक्यूमेंट्स और नेशनल स्टैंडर्ड्स भी उस पर उसका बेसिक प्रिंसिपल्स है वो तो उन्होंने PGS स्टैंडर्ड्स में भी रखा है। सो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, नेशनल स्टैंडर्ड्स, PGS स्टैंडर्ड्स सब इक्वल है, बराबर है। जी बराबर है, इसमें कुछ इतना बड़ा फर्क नहीं, लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बहुत डिटेल होते हैं क्योंकि यूरोप में उसका था बाजार में उसका कंडीशंस, उसका रिक्वायरमेंट, उसका लीगल रिक्वायरमेंट्स, उसका तो इतना बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स है, इसके लिए उसका स्टैंडर्ड्स भी बहुत 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 डिटेल होते हैं। जी जी जी। लेकिन हम तो हमारा किसान के लिए हाँ, हम तो इसका एकदम सिंप्लीफाई किया है। जी बिल्कुल, यानी इसके जो आपने बताया कि बहुत व्यापक है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात कर रहे हैं, लेकिन जो उत्पाद है वो तो अगर हम नहीं खा सकते तो बाहर के लोग कैसे खा सकते हैं, तो जो हमारी जरूरत है वो वही बाहर के उपभोक्ताओं की भी जरूरत है, कुल मिलाकर ये समझा जाए। तो इसीलिए चाहे वो घरेलू बाजार हो या अंतर्राष्ट्रीय बाजार हो, जो मानक है कि उत्पाद कैसा होना चाहिए वो बराबर ही है। अब वंदना जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि जो हम लगातार निर्यात की बात कर रहे हैं तो इसका कोई लक्ष्य भी हमने तय किया है, क्योंकि हम देखते हैं कि जिन चीज़ों की मांग हमारे देश की अधिक रहती है तो हमारा उसको लेकर सरकार लक्ष्य भी तय करती है कि इसे अगले साल इतना करना है या फिर जहां कमी रह गई उस कमी को कैसे दूर किया जाए। तो ऐसा ही क्या हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो हैं, जैविक खाद्य पदार्थ जो हैं, उनमें भी करते हैं? देखिए, ऐसा निर्यात के लिए इस समय फिलहाल कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है हमारे, उसमें कि फिक्स है कि इतना हमें निर्यात करना ही करना है, लेकिन हमारी तैयारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात किया जा सके। जैसे कि पूर्वोत्तर के राज्य हैं जहाँ पर नैसर्गिक रूप से ही ऑर्गेनिक है वहाँ पर, तो जितना भी प्रोडक्ट हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का है उसमें हमारी जो मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट की जो स्कीम चलती है वो इसीलिए है कि उस क्षेत्र का निर्यात हम कर सकते हैं, एक ब्रांड ला सकते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न ब्रांड ला के हम उसको विदेशों में भेज सकते हैं और उसकी बहुत अच्छी वैल्यू है, उसके स्वाद और उनकी जो पैरामीटर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो उसके लिए हमारी पूरी तैयारी चल रही है और हमने लक्ष्य निर्धारित नहीं किया लेकिन तैयारी पूरी चल रही है उसके लिए। इसी तरह से जो हम देश में कह रहे हैं कि हम 10 लाख एडिशनल एरिया लेकर आ रहे हैं 10 लाख हेक्टेयर का, तो वो इसी दिशा में एक कदम है कि हम ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जब हम निर्यात की बात करते हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि मार्केट में जब हमने इंट्रोड्यूस कर दिया कोई प्रोडक्ट को तो वो कंटिन्यूअस सप्लाई होना चाहिए। जी जी। तो जब तक बल्क में वो चीज होगी नहीं तो निर्यात कैसे होगा, उसका मार्केट कैसे चल पाएगा? तो उस तरफ हमारी एक तैयारी है और जो ये एक जैविक विश्व कुंभ होने जा रहा है ये एक बहुत बड़ा रोल अदा करने वाला है, क्योंकि हमारे किसानों को पता चलेगा कि जो विदेशों में ऑर्गेनिक कर रहे हैं वो क्या है, कैसे
कैसे पैकेजिंग ब्रांडिंग करके आ रहे हैं, वो कौन से जो तरीके हैं जिनसे वो कम लागत में ज्यादा अच्छा उत्पादन ले रहे हैं, तो ये हमारे किसानों को एक बहुत बड़ा एक्सपोजर मिलने वाला है। और वो जो बातें हम धीरे धीरे नहीं समझा पाते हैं, अगर ज्यादा से ज्यादा किसान उसको अटेंड करेंगे और उसको ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा और हमारा निर्यात भी बेशक बहुत बढ़ेगा। जी यादव जी, हम लगातार निर्यात की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि क्या कुछ जो जैविक हमारे खाद्य पदार्थ हैं उन्हें हम आयात भी करते हैं, ये भी जानना ज़रूरी है, हमारे किसान ये भी जाने कि हम क्या आयात करते हैं, ताकि वो समझे कि बाज़ार हमारे यहाँ है इस चीज़ का और इस दिशा में वो काम करें तो उनके लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा। नहीं, अभी तक तो ऐसे आयात तो हमारे देश में भी जैविक पदार्थों का कोई खास ज्यादा है नहीं, बहुत थोड़ी मात्रा में होता है और है भी तो उसका कोई अभी आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध भी नहीं है। पर अभी तक जो है हमारा सारा ध्यान जो निर्यात के ऊपर ज्यादा है। और दूसरा ये कि निर्यात किया या देश का बाजार भी अगर हमें बढ़ाना है तो इस वक्त जो सबसे ज्यादा ध्यान सरकारों का भी संस्थाओं का भी है वो ये कि हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा किसान जैविक खेती को अपनाए ताकि जो उसका उत्पादन का बेस है वो बहुत बड़ा हो और मार्केट के लिए जो सफिशिएंट क्वांटिटी हमें चाहिए, चाहे वो देश में रखें चाहे विदेश के रखें, वो अच्छी मात्रा में उत्पादित हो, अच्छी क्वालिटी की हो। जी जी जी। और अभी क्या किया गया है कि इन सब बातों को ध्यान में रख करके हमारी जितनी स्ट्रेंथ है उसको भी हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, किसान भाइयों को भी आमंत्रित करना चाहूंगा कि नवम्बर में 9 नवम्बर से लेकर 11 नवम्बर के बीच जैविक कृषि विश्व कुंभ हो रहा है जिसके बारे में बात भी कर रहे हैं, ये ग्रेटर नोएडा के अंदर होगा। वहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगाई जा रही है जिसमें पूरे देश की और विदेश की जैविक स्थिति की, जैविक पदार्थों की क्या स्थिति है, हम क्या उगा सकते हैं, हमारे किसान भाई भी वहाँ होंगे, वो अपने प्रोडक्ट दिखा सकते हैं। कहाँ हो रहा है ग्रेटर नोएडा में? ग्रेटर नोएडा में ये एक इंटरनेशनल एक्सपो मार्ट है, परी चौक के पास में है, वहाँ पर हो रहा है। तो ये कोई भी आ सकता है, इसका कोई रजिस्ट्रेशन? देखिए, उसमें दो तरह की प्रोग्राम है, एक तो ये है कांग्रेस है, कांग्रेस के अंदर सीमित एंट्री है, बट साथ में एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगाई जा रही है। प्रदर्शनी बिल्कुल फ्री है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। और हमने सभी राज्य सरकारों को ये निर्देश सलाह दी है कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को लेकर के वहाँ आए, क्योंकि सबसे खास बात क्या है, इस बार का जो जैविक विश्व कुंभ है वो किसान सेंट्रिक है। जी जी, किसान ज्यादा से ज्यादा है और हमारे देश के वो 800 से 1000 तक जो मोस्ट सबसे अच्छे किसान ऑर्गेनिक किसान है वो वहाँ आएंगे, वो अपनी तकनीकों का भी प्रदर्शन करेंगे, बाकी किसान उसको देख सकते हैं। उसके अलावा जितनी भी हमारी कंपनियां हैं जो जैविक बाजार के अंदर ट्रेडिंग करती है वो सब भी वहाँ पर। और जैसा कि हमने रिपोर्ट में भी शुरुआत में बताया कि 110 देशों के प्रतिनिधि वहाँ आने वाले हैं। तो इसके अलावा अपीडा की तरफ से हमने जो है एक विशेष प्रयास भी किए हैं और जो विकसित देश हैं, जो हमारे सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक उत्पाद को खरीदने वाले देश हैं, वहाँ से भी हमने प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों को बुलाया। हमारी कोशिश है कि करीब 50 से 60 प्रतिनिधि जो है वो दूसरे देशों के आए और उनका हमारे किसानों के साथ, उत्पादन समूहों के साथ सीधे संपर्क हो। जी बिल्कुल, यानी सीधा संवाद होगा तो हम कुछ उनसे सीखेंगे, कुछ हमारे किसान वहाँ से भी सीखेंगे। सुमना जी, जिसके बारे में अभी यादव जी बता रहे हैं, ये 9 से 11 नवम्बर के बीच में ये जैविक कृषि विश्व कुंभ होने वाला है, तो ये हमारे जो किसान है, साथ ही जो हमारे प्रयास है जैविक खेती को लेकर, इसके सपने को बल देने में कितना कारगर साबित हो सकता है? देखिए, ये हमारा मानना है कि हमारा भारतवर्ष में बहुत दिनों से परंपरागत रूप से हमारा जैविक खेती हो रहा है, तो इसी के लिए ये जो हमारा जैविक कृषि विश्व कुंभ है, इसका मानना ये है कि हम जैविक भारत के माध्यम से जैविक विश्व देखना चाहते हैं। ये तो, आपके पास कुछ बुकलेट भी है, ये इसके बारे में बता दीजिए। ये है जैविक कृषि विश्व कुंभ का। जी जी जी, जैविक कृषि विश्व कुंभ का ये हमारा ब्रोशर है, इसमें सारा इन्फॉर्मेशन है जो हमको इंटरनेट में मिलेगा। आपका owcindia.org में अगर आप जाएंगे तो आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा कि इसके बारे में आप कब से कब तक है, कहाँ पे है, कैसे आ सकते हैं। और आप, ऐसा भी है कि ये जो हम कांग्रेस जो आयोजित किया जा रहा है, इसके बारे में जितना जानकारी हम सारे दुनिया के किसान जो देंगे जैविक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर, ये सारे इंफॉर्मेशन आपको इसके बाद 11 तारीख के बाद ये सब कुछ इंटरनेट पे मिलेगा।
जाएगा। अगर कोई भी ये देश में, पूरे दुनिया में अगर जैविक खेती करना चाहते हैं तो इनके लिए पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा इसके बाद। तो जितना प्रोसीडिंग्स है, जितना भी तकनीक्स है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, जितना तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग पूरे दुनिया में किए जाते हैं, उसके सारा जानकारी एक ही जगह पे मिलेगा। इसे खोल करके दिखा सकते हैं क्या इसमें? बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो ये पूरा एक ब्रोशर है जिसमें तमाम जानकारी दी गई है और इसी इसमें सब डिटेल्स हैं, यानी क्या कहाँ क्या होगा, कौन कौन इसमें भाग लेंगे, कौन कौन से विषय होंगे, किस दिन क्या होगा, ये सब जानकारी सब इसमें कुछ है। और ये आपका ऑनलाइन अगर आप वेबसाइट में जाएंगे तो भी है, एक फ़ोन नंबर है उसमें भी आप बिल्कुल डायल कर सकते हैं, 8376041125। ये फोन नंबर पे भी आप बिल्कुल फोन कर सकते हैं, कोई भी आपको जानकारी चाहिए आने के लिए तो आप बिल्कुल आइए, क्योंकि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये कांग्रेस जो रजिस्टर्ड है वही अंदर आ सकते हैं, आप अगर आएंगे तो यानी कुल मिला के किसानों के लिए अगर है तो किसानों की इसमें सहभागिता भी होनी चाहिए, उनके लिए भी जगह होनी चाहिए, वो भी समझे जान सके। और जैसा कि आपने बताया वेबसाइट है owcindia.org और फोन नंबर भी बताया ताकि जो किसान जाना चाहते हैं यहाँ पर, जानकारी चाहते हैं इसके बारे में, तो वो यहाँ से नोट कर लें और इंटरनेट से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या फिर फोन, तो आजकल हर किसी के पास होता है, फोन करके भी इसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब मैं जानना चाहूँगी, हमारे साथ यादव जी भी लगातार बने हुए हैं, मैं ये बताइए कि जो हम लगातार बात करते हैं कि किसानों की सहभागिता इसमें बढ़े, तो ये 3 दिनों तक जो ये प्रोग्राम चलने वाला है इसमें हमारे देश से कौन कौन लोग होंगे, किस तरीके से किसानों से वो इंटरेक्ट करेंगे? नहीं, ऐसा है, इसमें जो जैविक विश्व कुंभ हो रहा है उसके अंदर उसके चार, जो कांग्रेस है उसके चार हिस्से हैं, एक हिस्सा केवल किसान का है जहाँ हमारे पूरे देश से किसान है और दूसरे करीब 100 देशों से जो प्रतिनिधि किसान, उनमें बहुत सारे किसान भी हैं, वो भी आएंगे, वहाँ किसान से संबंधित जो जानकारी है, किसान कैसे जैविक खेती करते हैं इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा दूसरा है वैज्ञानिक ट्रैक, उसके अंदर पूरी दुनिया से जो जैविक खेती में जो वैज्ञानिक अपना कार्य कर रहे हैं वो किस तरह का उनका रिजल्ट है, क्या उनके शोध हैं, वो इसकी जानकारी देंगे। तीसरा जो है वो होता है पॉलिसीज को लेकर के, आईफोम का मेन ट्रैक कहलाता है कि दुनिया में देश हैं, सरकारें हैं, वो किस तरह की पॉलिसी अपनाएं जिससे जैविक खेती को बढ़ावा मिले। और चौथा है मार्केटिंग का और क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है, तो ये मतलब ये कुल मिलाकर कि इस तरीके से पूरे प्रोग्राम को डिज़ाइन किया गया है। अलवारिस जी, अब हम मुझे ये बताइए, जो हम जैविक कृषि विश्व कुंभ की लगातार बात कर रहे हैं और जहाँ तक मेरी जानकारी, जो कुछ मैंने वेबसाइट पे भी पढ़ा कि पिछली बार इस्तांबुल में हुआ था और हमने बिड जीती कि अब भारत में इसका आयोजन किया जाए, तो ऐसे में क्योंकि ये एक विश्व पटल पर हमारी साख की भी वजह होगी और भारत इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, तो कुछ ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो कि दुनिया भर में इसका मैसेज जाए। तो इस विश्व कुंभ की हम बात कर रहे हैं, जो कृषि विश्व कुंभ की, इसमें हमारी यूएसपी क्या रहेगी? जेलवास जी, यूएसपी है कि हमारा भारत है इस ऑर्गेनिक फार्मिंग में, जैविक कृषि में देश में नंबर वन देश है। सारा देश में आज तक, सारा दुनिया में आज तक किसी ने देश ने आज तक इतना सपोर्ट जैविक कृषि को नहीं दिया है। आप तो देख लो, कोई सारा प्रोग्राम्स है सरकार की वगैरह वगैरह, इस तरह का प्रोग्राम दूसरे देश में नहीं मिलते हैं। जी जी जी। और इस हमारा ये तो सारा दुनिया को बताना चाहिए, चाहते हैं कि इस यहाँ देश को आ जाओ, हमारा मीटिंग में आ जाओ, क्योंकि आपको पता हो जाएंगे कि हमारी सरकार, हमारी कृषि मंत्री, कृषि विभाग कितना प्रोग्राम्स तो लिया है, कितने स्कीम्स तो किया है, पीजीएस का नोटिफाई किया है, और हर साल में ऑर्गेनिक का जमीन बढ़ रहा है, और उसमें तो इतना सपोर्ट, साइंटिफिक सपोर्ट और वैज्ञानिक, ये एक्सटेंशन सपोर्ट भी, अभी कृषि विज्ञान केंद्र भी, यूनिवर्सिटीज में भी अभी सारा लोग उसमें काम कर रहे हैं। ये इस तरह का सिस्टम अभी सारा दुनिया में मिलते नहीं। अभी यूरोप में जाओ, अमेरिका में जाओ, कनाडा में जाओ, इतना सपोर्ट सरकार का ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए मिलेगा नहीं। जी जी, अभी देख लेगा, हमारा प्रधानमंत्री ने 3 साल में उन्होंने 15 ओकेशंस में लोकसभा में और बड़े बड़े मीटिंग्स में, अभी वो सिक्किम का मीटिंग भी हुआ था, उन्होंने स्वयं कहा है
कि सिक्किम ने क्या किया है, सारा देश ने, सारा स्टेट हमारे है, उन्होंने भी करना चाहिए। जी जी, इतना सपोर्ट प्रधानमंत्री से मिला है तो कोई देश को ऐसे सपोर्ट मिलते नहीं। जी, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, ये तो बड़ी ताकत है। और हमारे ये नैसर्गिक प्रोडक्शन है, नैसर्गिक जैविक कृषि उत्पादन एक है, जी, तो हम स्वयं करते हैं। यानी ये तो लेकिन नैसर्गिक भी इतना बड़ा है, वो तो हमारे जंगल में होते हैं, हमारा महुआ, हमारा फनस, हमारा बेर, ये तो सब ऐसे अच्छी तरह से उसको उसको ऑर्गेनिक के रूप में प्रमाण ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जी जी जी, तो आपका उत्पादन जी बहुत बढ़ जाएगा। बिल्कुल, तो अगर जैविक खेती के बारे में जानना है, समझना है, सीखना है, तो भारत से बेहतर जगह और कौन सी हो सकती है? और जैसा कि अलवाज जी का भी कहना है कि ये हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी विरासत है, इसे और मजबूत करने की ज़रूरत है और इसे समझाने की ज़रूरत है विश्व को कि क्यों हमें ऑर्गेनिक होना है। बहरहाल, इसी के साथ ही वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा विचार विमर्श, जैविक उत्पादों का विश्व बाजार। छोटा सा कहीं मत जाएगा, बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन, छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर एक बार फिर आपका स्वागत है। विचार विमर्श में बात हो रही है जैविक उत्पादों के विश्व बाजार की, और इस अंतिम भाग में हम किसानों के जैविक खेती और जैविक कुंभ से जुड़ने पर भी चर्चा करना चाहेंगे। डॉक्टर घोष, आपसे जानना चाहेंगे कि ये कुंभ किसानों की दिलचस्पी को और बढ़ाए, जैविक खेती से और जुड़े, इसके लिए कौन कौन सी खास योजनाएँ यहाँ पर प्रदर्शित की जाएंगी, उनके बारे में बताया जाएगा? जो भी किसी का विश्व कुंभ हो रहा है उसमें राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद बहुत सारे जानकारी किसानों को देंगे, ताकि उनकी जैविक खेती में बहुत ज़्यादा उत्साह बढ़ाने के लिए। उसमें से पहला तो ये है कि हम किसानों को ये जानकारी देंगे कि हमारी जो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद जो वेस्ट टीका मुझे कल्चर विकसित किया है, उसके द्वारा कैसे कम से कम खर्चा में जैविक खेती करेंगे। जी जी। और दूसरी जो जानकारी हम देंगे, सीधा जो भी किसान हमारे पास आएंगे उसको हम ऑनलाइन पंजीकरण कराएंगे। अच्छा, तुरंत हो जाएगा वहाँ पे जो भी किसान हो जाएंगे, इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए हमने जितना भी जो भी हमारा अधिकृत रीजनल काउंसिल है उनको हमने बुलाया कि आप सारे तैयारी के साथ आइए और किसानों को सीधा पंजीकरण कराएंगे। जो किसान जुड़ना चाहता है उसको मेला में ही उनको हम पंजीकरण कराने की कोशिश करेंगे। ये व्यवस्था भी होगी कि जो किसान वहाँ पहुँचेंगे तो उन्हें समझाया भी जाएगा और उनका समझाया जाएगा। और दूसरी बात और एक चीज है कि हमने हमारे सारे अधिकृत रीजनल काउंसिल को ये प्रोत्साहित कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से आप किसानों की जो बाजार है उसको दिलवाने के लिए आप कोशिश करिए। हमारे बहुत सारे रीजनल काउंसिल हैं। बिल्कुल, बाजार की आपने बात की यहाँ, तो जाहिर सी बात है कि बाजार की मांग होगी, अच्छा पैसा मिलेगा, तो किसान का रुझान भी जैविक खेती की ओर बढ़ेगा। तो सुमना जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि अभी ये तो बात हमने की कि किस तरीके से कृषि मंत्रालय से जुड़ा हुआ वैज्ञानिक जुड़े रहेंगे, विश्व के प्रतिनिधि आएंगे, लेकिन क्या इसमें कुछ प्राइवेट सेक्टर की भी भागीदारी होगी? क्योंकि हम हर जगह पीपीपी मॉडल्स की बात कर रहे हैं और कृषि को अगर हम इससे जोड़ करके देखें तो क्या इसके लिए भी कुछ हम सोच सकते हैं कि कुंभ में देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए ये जो जैविक कृषि विश्व कुंभ हो रहे हैं इसमें बायोफैक भी होगा। बायोफैक में ज़्यादा के ज़्यादा जो प्राइवेट एक्सपोर्टर्स और प्रोड्यूसर्स हैं, जो किसान से खरीद के जो बाजार में बेच रहे हैं, जैसे ऑर्गेनिक इंडिया हो गया आपका, जैसे और भी कंपनीज है, ये सारे लोग वहाँ पे भी रहेंगे प्रदर्शित करने के लिए कि कैसे वो लोग भी पैकेजिंग कर रहे हैं, कैसे किसान भी वैसे उसके सीखे कि कैसे पैकेजिंग करके वो डायरेक्टली भी बेच सकते हैं जो आपका कंज्यूमर्स है उससे। तो ये जो प्राइवेट आपका जो प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ जो आपका जैविक प्रोडक्ट्स को जैसे आप बेचते हैं, तो ये वहाँ पे भी प्रदर्शित होगा। तो बायोफैक ये पूरे दुनिया में होते हैं, तो अभी ये हमारा बहुत ही सौभाग्य है कि ये जैविक कृषि विश्व कुंभ जब हो रहे हैं तभी भी ये भी प्रदर्शन होगा, जैविक बायोफैक्टर प्रदर्शन। जी, चलिए अभी आपने बीजों की बात की और जो पोषण सामग्री उसके बारे में भी आपने बताया कि सब कुछ प्रदर्शित किया जाएगा। वंदना जी, जैविक खेती के लिए जिस तरह के बीज और पोषण सामग्री और वैज्ञानिक
सहायता चाहिए, वो कहाँ तक उपलब्ध है? और साथ ही मैं चाहूंगी कि यहाँ इस मेले के बारे में भी बताएं, जो जो हम विश्व कुंभ कह रहे हैं, कृषि विश्व कुंभ, इसमें इन सब चीजों की उपलब्धता जो हमारे जैविक खेती है, इसमें हमने बताया कि समूह के माध्यम से हम इस योजना को चला रहे हैं, तो उसमें जो भी इनपुट्स हैं उसकी एक व्यवस्था है, और हर किसान जो इसमें शामिल है इस समूह में, उसको एक 50,000 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से धनराशि दी जाती है विभिन्न संसाधनों को जुटाने के लिए। तो ये स्टार्टिंग फ्रॉम जो जहाँ से खेत की तैयारी से लेके मार्केट तक कैसे प्रोडक्ट ले जाना है, कैसे वैल्यू एडिशन, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग करनी है, ये सारी चीजें हमारी इस स्कीम में शामिल हैं। तो हमने ये कोशिश ये रखी है कि इसमें किसान को भटकना ना पड़े, उसका प्रोडक्ट सर्टिफाइड भी हो जाए और उसको सारी समय समय पर जो भी सहायता चाहिए, समय ना बर्बाद हो, बिल्कुल समय बर्बाद ना हो, और वो इस पे लगा रहे, अपनी जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में लगा रहे और उसका प्रोडक्ट अच्छे रेट पर बिके, इसकी भी हम तैयारी कर रहे हैं। और उनको समय समय पर जो बायर सेलर मीटिंग कराते हैं, यही दिखाने के लिए कराते हैं कि कैसे बायर्स उस क्षेत्र में आए और आके उनके प्रोडक्ट को ले जाएं, तो इसका हमारा विशेष इस पर ध्यान है। और साथ ही हम बताना चाहेंगे कि जो हमारी जो सरकार की योजना चल रही है कि हम 2022 में डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम, जी जी जी, तो जो दोगुनी आय करने के लिए सबसे अच्छा माध्यम जैविक खेती ही है, क्योंकि इसमें लागत बहुत कम हो जाती है जब हम खेत में ही चीजों को कम जो वेस्ट मटेरियल है उसको रिसाइकलिंग खेत में किसान करता है, तो बाहर से चीजें खरीदनी नहीं पड़ती है उसको, लागत कम हो जाती है, और अगर उसको प्रीमियम प्राइस सही मिल जाता है, सर्टिफाइड प्रोडक्ट बेचता है, तो उसकी लागत बेशक दुगनी हो जाएगी। यादव जी, अब मैं जानना चाहूंगी कि एपिडा के लिए ये कुंभ कितना महत्वपूर्ण है, कितना बड़ा अवसर है, और इस अवसर को आप किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे किसान? एपिडा का तो प्रमुखतः हमारा ये जो है निर्यात प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन है, और हम इसको एक ऐसे अवसर के रूप में ले रहे हैं जब पूरे विश्व को दिखा सकते हैं कि हमारे देश में ऑर्गेनिक की क्या स्ट्रेंथ है। हमारे देश में लगभग दुनिया में होने वाली सब जलवायु मिलती है, दुनिया में उगने वाली सब फसलें हमारे देश में होती है, सब तरह के पौधे हमारे देश में होते हैं, और हम साल के अधिकांश हिस्सों में हम खेती कर सकते हैं। तो हम सारी दुनिया को दिखा सकते हैं कि भारत, जिसका प्रमाणीकरण दुनिया में अच्छी तरह से जाना जाता है, जिसका बहुत सारे कंट्रीज के साथ इक्विवेलेंस है, हमारा क्वालिटी बहुत अच्छी है, हम में वो क्षमता है कि हम सारी दुनिया को जैविक उत्पाद दे सकें। तो हम इस जो हमारा उद्देश्य है उसको सामने रख करके सारी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, जी जी, हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट होंगे, हमारी क्या क्वालिटी होगी। इसके लिए हमारी तरफ से एपिडा का एक स्पेशल जो है एग्जीबिशन भी लगाया जा रहा है, जिसके अंदर ये बताया जाएगा कि क्या क्या तरह के जो है प्रोडक्ट, क्या क्या तरह के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट या जो सर्टिफिकेशन सर्विसेज हैं वो अवेलेबल हैं, और कैसे किसान उसका फायदा उठा सकते हैं। दूसरा ये है कि हम दुनिया भर से करीब बहुत सारे जो बायर्स हैं, ऑर्गेनिक ट्रेड इंडस्ट्री के लीडर्स हैं, उनको भी बुला रहे हैं ताकि हमारे किसानों का, इंडस्ट्री का सीधा उनके साथ संवाद हो सके। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पता चल सके कि भाई क्या बेचना है और क्या उगाना है। जी, अच्छी बात है आपने बताई कि बाजार भी बताएंगे कहाँ है, और इससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए भी एक साझा मंच होगा, सबके लिए ये फायदेमंद होगा। अलवास जी, मैं आपसे अब जानना चाहूंगी अंत में कि ये बताइए कि इस आपकी एसोसिएशन जो है ये किसानों को इस कुंभ से जोड़ने के लिए क्या करेगी, और साथ ही मैं चाहूंगी कि इस पे थोड़ा सा भी आप प्रकाश डालें, क्योंकि किसानों के लिए जाना बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी यादव जी ने कहा कि लागत घट जाती है, लेकिन अब जो बाजार की जो स्थिति है उसमें कहते हैं कि ऑर्गेनिक फूड यानी ये कुछ स्पेशल फूड है और ज़्यादा महंगा है, आम जो हम फूड जो मिलते हैं या फिर खाद्य पदार्थ होते हैं, तो थोड़ा इसके बारे में बताएं कम शब्दों में। ये ऑर्गेनिक फूड अभी महंगा हुआ है क्योंकि छोटे छोटे से जगह में वो तो उत्पादन होते हैं और वहाँ से दूर दूर शहर को लेते हैं, शुगर शहर के दुकान में रखते हैं, वहाँ दुकान का उसका तो वो रेंटल और उसका उसका सैलरीज वगैरह देने का उसका और सब कीमत उस पर ऑर्गेनिक खर्चा सब उस पर लगाते हैं, इसका प्राइस तो बहुत बढ़ते हैं। लेकिन तो डायरेक्ट सेल्स हो जाएंगे, डायरेक्ट सेल्स गाँव गाँव में, शहर शहर में, छोटी छोटी शहर में ऐसे डायरेक्ट सेल्स हो जाएंगे, किसानों और कंज्यूमर्स के पास डायरेक्ट सेल्स हो जाएंगे, तो डेफिनेटली उसका प्राइस तो घटेगा, यानी ज्यादा लोग जुड़ेंगे, ज्यादा मांग होगी तो भाव भी घटेंगे। अब बताइए कि किसान कैसे जुड़ेंगे इससे? किसान जुड़ सकते हैं, लेकिन ये इस विश्व कुंभ में आने से ये तो जगह हम तो किया है सारा, वो तो इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन सेंटर है, लेकिन हम तो उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसको किसान फ्रेंडली जगह कर रहे हैं। वो किसान
अंदर आ सकते हैं फ्री ऑफ चार्ज, उसमें कुछ रजिस्ट्रेशन चार्ज भी नहीं है, जी जी। अंदर आ सकते हैं। वहाँ तो बहुत बड़ा एग्जीबिशन है, वो स्टॉल्स का एग्जीबिशन है, लेकिन बीच का भी एग्जीबिशन है, ठीक है। एक 150 लोगों का, सारे दुनिया का बीज, इसीलिए तो इसे हम कुंभ कह रहे हैं, कृषि विश्व कुंभ। जी वंदना जी, कार्यक्रम को समाप्त करने का समय हो गया है, तो अंत में आपसे मैं एक टिप्पणी चाहूंगी कि जो कार्यक्रम होने वाला है इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, ये जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ये बहुत ही सामूहिक कार्यक्रम होने जा रहा है, और बेशक हमारे किसानों को और हमारे देश को भी, दोनों को ही फायदा होने वाला है इसमें। हम आपको थोड़ा सा सूचित ये करना चाहेंगे, जो हमारी प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे हमारी परंपरागत कृषि विकास योजना है या MOVCD NER है, तो इससे जुड़े हुए किसानों के संदेश के लिए हमने सभी राज्यों को पत्र लिखे हैं, उनसे आग्रह किया है कि जो किसान इसमें जुड़े हुए हैं उनको आप इस कुंभ में आने के जो खर्चा है उसका, वो हमारी स्कीम से मेट करें। तो हम इस और ज्यादातर लोगों ने किया भी है, बहुत से रजिस्ट्रेशन कर दिया है, इसके लिए बिल्कुल वो आएंगे और उनके जाने आने का खर्च जो हमारी स्कीम में प्रोविजन है उससे वो मेट करेंगे। तो इसलिए किसान ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसमें आएंगे भी, और पूरी दुनिया देखेगी कि हमारी जमीन, जो हमारी भूमि है, वो कितने प्रकार की है, हर मौसम में कुछ ना कुछ नया उत्पाद देती है, तो उसका वो आनंद उठा सकेंगे और हमारे यहाँ से इम्पोर्ट करने के लिए बेशक ही। जी बहुत बहुत शुक्रिया वंदना जी, आपने जो बात बताई, और क्योंकि अब समय हो गया है दूसरे कार्यक्रम का, तो आज के विचार विमर्श में बस इतना ही। विश्वास है कि जैविक उत्पादों का बाजार आम आदमी के स्वास्थ्य के साथ ही हमारे किसानों के आर्थिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा। तो कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब समय निकाल कर यहाँ पर आए और हमारे किसानों को बताए, और ये जो विश्व कृषि कुंभ होने वाला है इसके बारे में इतने विस्तार से जानकारी दी। आशा करते हैं हमारे किसानों ने भी इसे सुना होगा और वो ज़रूर में भाग लेने की सोचेंगे। अगले सप्ताह इसी समय इसी कार्यक्रम में किसी नए विषय पर फिर करेंगे विचार विमर्श। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहें दूरदर्शन के साथ। नमस्कार।